गया है। कर दो पैकिंग करनी है। हाँ नहीं जाता तुम लोग। ये डरता है कांच के ऊपर, ये ऐसे पैर चौड़े करके ही बैठता है। ले आजा थोड़ा, तू खा ले, ले आजा आजा। क्या मतलब डर लग रही है? कच्चे को गिर जाएगा, कच्चे को गिर जाएगा भाई। नहीं तो नहीं नहीं, क्या खबर तक मैं पढ़ दूँ तुझे बार। नहीं का मतलब नहीं मिट्टू, नहीं लो ये खा लो मिट्टू, ये खा लो। दो बुआ के घर से हुआ ही मिट्टू, लो खाओ। सब पंख खजली खजली ने सब क्यों कर दिया? कुजाली कुजाल के पूरे पंख निकाल दिए छोटे छोटे, ऐसे क्यों करते हैं? हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी हमारा कुछ प्लान हो रहा है बाहर घूमने जाने का, और वो भी हम कहाँ जा रहे हैं वो बता देती हूँ। हम जा रहे हैं गोवा। अभी तक फुल एंड फाइनल नहीं हुआ है, हमको 22 तारीख को निकलना है यानी कि परसों, पर कुछ भी अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, ना ही मेरी पैकिंग। सो चलो अब देखो आज क्या होता है। थोड़े बहुत तो कपड़े अरेंज करने पड़ेंगे क्योंकि मैं शॉपिंग ज़्यादा कर नहीं रही हूँ, क्योंकि जब भी घूमने जाओ यार कपड़े नए लेके जाने पड़ते हैं, वो नेक्स्ट हैं वो कभी काम नहीं आते। तो अभी जस्ट मैं नहा के निकली हूँ, तो अब मेरा स्किन केयर फॉलो कर देती हूँ। ड्रोन का ही सामान सबसे ज़्यादा हो गया, पर हम घूमने जाएंगे तो हमको ड्रोन भी साथ में लेके जाना पड़ेगा। एक बार यहीं पे बाहर ही रखूँगी, अंदर नहीं रखूँगी एकदम से, क्योंकि फिर चिकू को मिलेगा ना तो दूसरा और डबल। चिकू के पासपोर्ट साइज फोटो। उदयपुर जा रहा है तू तो नहीं मानेगा है? कब जा, आज जाओगे फिर? एडमिशन फाइनल आज ही नहीं होगा ना? और माता जी को गॉड ब्लेस यू। लैपटॉप भी यहाँ पे मैंने चार्ज पे रख दिया है, इसको बंद कर देती हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंज कर देती हूँ, क्योंकि अभी पैकिंग करने का टाइम अगर आ गया तो बहुत ज़्यादा हमको मैस मैस मिल जाएगा, और मैस मैस मिलेगा तो पतिदेव नाराज़ हो जाएंगे। ये ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का स्लीपिंग मास्क मैं रात को यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छे मुझे रिजल्ट लगे इसके। ये वाला मास्क चिकू यूज़ कर रहे हैं क्विंच का, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा उनकी स्किन पे भी काफ़ी अच्छा यूँ इफेक्ट देखने मिल रहा है। इनको अवेयर के अभी अंदर रख देती हूँ। और मैं रिसेंटली अभी यूज़ कर रही हूँ ये माउंटेन सीरीज़ का फेस टोनर। अभी क्रीम कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, ऑनली फॉर टोनर ही यूज़ कर रही हूँ, पर टोनर ही इतना अमेजिंग है, कुछ और लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। कानों में कुछ पहनना पड़ेगा। कंप्लीट रेडी, मांग लगा दूँ। मैं कंप्लीट तैयार हो गई हूँ, अब चलो काम करते हैं, काम पे लगते हैं। एक बार रूम में ये मैं थोड़ा अवेयर दूँ बेड पे, ये वॉश करने के लिए डालना है सारा, यहाँ अवेयर ना है क्योंकि कल मम्मी सब्जियाँ लाए हैं, सब्जियाँ सारी ऐसे ही बिखरी पड़ी हुई है। और खाने में बनाना है आज लौकी की सब्जी। कपड़े धोने चालू कर दिए, एक तरफ मैंने सब्जी बना दी है, चावल बन रहे हैं, आटा लगाना है, पर बर्तन यहीं पे पड़ा हुआ है तो बर्तन को अभी धोऊंगी, थोड़े बर्तन धुल जाएंगे, मेरा काम काफ़ी इजी हो जाएगा। अभी बाहर से सारे कपड़े लेके आए जो भी कल धोए थे, अब इनको समेटना है, बहुत दिन के हो गए, थोड़े बहुत समेट देते हैं। और यहाँ पर आधे आधे कपड़े धुल रहे हैं, और झाड़ू तो फिर मम्मी लगाएंगी क्योंकि झाड़ू मुझसे नहीं लगेगा, कमर दुखने आ जाती है ना, झुकना ज़्यादा पड़ता है सो। और अभी भी मैं जैसे जैसे कमर से रिकवर हुई हूँ, हाथ भी गई हूँ काम करके। सब्जी एक तरफ अभी बन गई है कंप्लीट, दूध वाली बनाई है लौकी, और अब मैं समेट रही हूँ अभी कपड़े अभी मैं समेट रही हूँ। तो यहाँ पर इतने कपड़े तो मैंने समेट दिए हैं, पूरा यहाँ पर आपने देखा होगा पहाड़ बन गया था कपड़ों का। फाइनल अभी कपड़े समेटने आ गए, कपड़े धुल भी चुके, बस उनको पानी में तारवने, तो वो तारव देती हूँ। यहाँ पर बर्तन धुल गए हैं, अभी जस्ट झाड़ू लगाया है, बाहर कपड़े सुखाए,
इधर ही सुखा दिए मैंने, उधर साइड नहीं सुखाया क्योंकि उधर साइड कपड़ों में बहुत ज़्यादा मच्छर आ रहे थे। यहाँ जल्दी जल्दी सूख जाएंगे तो ले भी लेंगे। और अब बना देती हूँ मैं रोटी। एक तरफ मैं दुकान के रुमाल भी धो रही हूँ यार, मैं समझी काम वाली ने धो के फिर अंदर रखे होंगे, पर देखा तो सारे गंदे ही पड़े हुए थे। अभी एक तरफ रोटी कंप्लीट बन चुकी है, ये थोड़ा साफ़ करना है, वो खाने के बाद ही करूँगी। और यहाँ पर भुट्टा सेक रहे एक तरफ ज़्यादा हो गया यानी भुट्टा। अभी मम्मी किचन अभी मम्मी कर रहे थे फ्रिज की सफाई, तो अंदर से भुट्टे निकले हैं, तो भुट्टा सेक रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है अमेरिकन भुट्टा। बैटरी चेंज कर दो, बैटरी लो हो गई है। और यहाँ पर खाना खाने के लिए हम बैठ गए, चिकू दोनों जने मम्मी बैठेंगे कर रही हूँ। खाने में लौकी की सब्जी, रोटी, ठंडी रोटी खा रहे हो, अच्छी लगती है। घी भी निकालना है, भुट्टा बना देती हूँ। घी भून लिए और चावल खाएंगे तब घी चाहिएगा। खाना खा लिया है, अब भुट्टा खा रहे हैं। चार हिस्से कर दिए हम चारों जनों के, एक ही भुट्टा से कहते, इसलिए पापा और चिकू के भुट्टे यहाँ पर रखे हुए हैं, वो वहीं पर खाने बैठेंगे, वहीं रख देती हूँ। और चिकू का मैं ले जाऊँगी साथ में, भी दुकान जाऊँगी। तो अभी फटाफट से किचन क्लीन करती हूँ, बर्तन धो देती हूँ और फिर चलती हूँ। और बाहर तो मौसम कैसा हो गया, एकदम अंधेरे जैसा हो गया है, कहीं बारिश आ ही नहीं जाए। अब तक तो थोड़ा खुला खुला है पर हवा निकल गई है ठंडी ठंडी। अब फ़ोन करती हूँ चिकू को, अब जाती हूँ। आज तो जाके मैं पेडीक्योर लूँगी मस्त। आज से क्या हो रहा है, नहीं भी जाएगा तब भी व्लॉग बनाएंगे। आज हमने, मैं जैसे ही शॉप पे आई, ये हिना दीदी ये वाला लहंगा मैं सेल कर दूँगी बोल रहे थे। अब इनकी शादी का लहंगा इनको सेल नहीं करना चाहिए ना, तो फिर मैंने कहा आपको ये लहंगा नहीं अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, इस लहंगे को छुट्टी, सारे बॉर्डर्स निकाल के हमने यहाँ रख दिए। अब इसका हम राजपूती पोशाक बनवा देंगे, रेड और ग्रीन कलर का। तो ये जब बनेगा तब आपको हम आपको बताएंगे। मैंने और तमन्ना दीदी में पूरा आइडिया लगाया है, जब बनेगा तब हम दोनों डिजाइनर का दिमाग दिखेगा आपको क्या बन के निकलता अच्छा है, बनेगा बहुत शानदार सच में। तो अब करते हैं हम गोवा की तैयारी, वैक्सिंग वगैरह करवाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ वगैरह हो गई है। और ये मैडम भी बड़े दिनों के बाद दर्शन देने आ जाए, हम भी घूमने गए थे। फाइनली मेरा कंप्लीट वैक्सिंग का काम हो गया है और बीच में भूख लग गई है, तो आइसक्रीम क्रेविंग हो रही है। ऐसे भूख तो नहीं ख़त्म होती है, तो सबको आइसक्रीम की क्रेविंग हो रही थी, तो सबके लिए मावा कुल्फी मंगवाई है। रबड़ी कुल्फी लो भाई, इसको भी दिखा देते, नहीं तो मेरे को आइसक्रीम का तो दिखाया ही नहीं, रोएगी दो दिन तक कोई नहीं रो मेरा तो काम लगभग हो गया है, आज वैक्सिंग हो चुकी है, बाकी के काम सब बाकी है, फेशियल बाकी है, इसके बालों में तो कुछ करवाना है नहीं। पर बालों में आज चिकू के हेयर कलर होने वाला है, तो चिकू आ गए कंप्लीट। तुम्हारी भी कटिंग वटिंग देगा यार, दाढ़ी वाड़ी सेट करके एकदम आ गए, बहुत ज़्यादा दाढ़ी आ गई थी। और यहाँ पर मैं वाइट बल्ब भी आ गया है इसमें कैमरे में, हाँ हो सकते हैं वाइट बल्ब। और ये यहाँ पर मैं चिकू के बालों के हाईलाइट के लिए कलर बना रही हूँ। ये देख ऐसे कैसे लग रहे बाल, अच्छे लग रहे। रुक जाओ एक मिनट, देखना था मेरे को। अरे यार क्यों निकाल दी, जैसे तैसे बाल आए थे यार। अरे जैसे जैसे बाल आए थे, पर कहीं जब सही डायरेक्शन में नहीं हुआ था, तुम अब बसोगे वो मेरे को कहाँ गया। अरे यार ए थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो ना जी को, दर्द होता है। अरे किधर है, जो तेरे नाम कर दो बीच में फील करो ऐसे ही करना पड़ेगा। हाँ तेरे नाम कर दो, फिर गाना गाएंगे तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। ये हाईलाइट हो गए हैं चिकू के, 15 मिनट का टाइमर लगा दो। टाइमर लगा, टाइमर इसके वाली भाषा मेरे भी आ गई है। ठीक है टाइमर, टाइमर लगा दिए, टाइमर लगा दिए। तो अभी चिकू का आधा कलर तो आ चुका है, थोड़ी देर और टॉपिक पहन के बैठे रहो। ऐसा क्या, ऐसा क्या पूछे आओ क्या। ओ मस्त हुआ लाइट लाइट एकदम। अब चलो अपन इसको वॉश करते थे, आ जाओ पीछे पीछे।
चलिए अब चलते हैं घर पे, क्योंकि अब चिकू को शॉप से कॉल आ गया है NPJ से, तो वहाँ पर भी टाइम टू टाइम रहना पड़ता है। वो कटिंग वगैरह कराने चले गए थे तो काफ़ी लेट हो गए, और आज के सारे पार्सल्स पैक हो चुके, शायद डिस्पैच भी हो गए। हम आ चुके हैं घर पे, चिकू ने नाई नहीं कर लिए क्योंकि बाल कटवा के आए थे। शाम को नहाके कैसा लग रहा है? शाम को नहाके सही लग रहा है, क्योंकि गर्मी भी है थोड़ी। तो आज हमने डिसाइड किया है, मैं सुबह से बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने कहा यार आज तो अपन खाना खाने होटल ही चलेंगे। तो आज हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं नमस्ते ऋषभदेव में। चलो ऋषभदेव में चलो, एक होटल खुली, एक काम तो अच्छा हुआ है, मर्जी पड़े तब जा सकते हैं खाना खाने के लिए। और आज ये हम पैक करेंगे, हमारे कैमरा बैग, नया कैमरा बैग आ गया है, उसको हम रिटर्न कर देंगे। वो थोड़े दिन पहले ही आया था, पर उसमें क्या हमारे सारे इक्विपमेंट्स आ नहीं रहे हैं, तो चिकू ने फिर बड़ा मंगवा दिया है, वो वाला रिटर्न कर देना है। और आज ये कैमरा बैग जमा देंगे फुल एंड फाइनल, ताकि हमको जब भी निकलना हो, क्योंकि अभी तक तो कोई भी डेट डिसाइड नहीं है, फ़्लाइट में जा रहे हैं या फिर कार लेके जा रहे हैं, दोनों चीज़ें हम ऑप्शन में रख रहे हैं, अब किस में जाएं। आप कमेंट करके बताओ कि हमको क्या लेके जाना चाहिए, आपको व्लॉग्स कौन से देखने पसंद आएंगे। अगर फ़्लाइट में जाएंगे तो ड्रोन नहीं लेके जा पाएंगे, और कार लेके जाएंगे तो ड्रोन लेके जा पाएंगे, फिर तो सब ले जा सकते हैं हम, क्योंकि हमारी खुद की गाड़ी है, तो मर्जी पड़े वो लगेज का भी कोई इशू नहीं है, मर्जी पड़े उतना ले जा सकते हैं। पर लगेज कुछ भी नहीं लेके जा रहे, समझ लीजिए दो दो जोड़ी कपड़े ही लेके जा रहे, वहीं से शॉपिंग करेंगे। यहाँ पर एंड मोमेंट पे कुछ शॉपिंग नहीं हो पाया, सब कुछ आधा अधूरा रह गया। और चिकू के पास तो दो टी शर्ट भी नहीं है अच्छे नए, इतने आलसी है मेरे पति शॉपिंग में, वहाँ जाके हम शॉपिंग पूरी करवा देंगे आपका। तो आज फुल एंड फाइनल बैग ये वाला पैक हो जाएगा, ताकि जब भी निकलना हो लेके निकल गए, क्योंकि कैमरे वाली पैकिंग है ना, जो एंड टाइम पे नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक छोटी छोटी चीज़ें याद करके डालनी पड़ती है, मेमोरी कार्ड्स, सारी केबल्स वगैरह सब बहुत रहता है यार, बैटरीज मैन, बैटरी और बैटरी का चार्जर मैन, अगर चार्जर भूल गए तो भी बैटरियों को बचा बचा के यूज़ करना पड़ेगा। फ़ोन से शूट कर सकते हैं, पर फ़ोन वाला वो मज़ा नहीं आता है। चिकू को तो जब भी मैं फ़ोन से शूट करती हूँ वो व्लॉग ही एडिट करने का नहीं होता है। आज चिकू ने मेरे फ़ोन का नया कवर भी मंगा दिया है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उस वाले कवर में मेरे फ़ोन का लुक ही नहीं दिख रहा था बिल्कुल, पर इसमें दिख रहा है। और मेरे को क्या आईफोन का शुरू से गोल्डन कलर ही चाहिए था, मैंने चिकू वाला 14 ले लिया है ना, तो इसका मस्त कलर भी मस्त दिख रहा है, और साथ ही साथ कवर भी बहुत शानदार दिख रहा है, ये मज़ा आ गया। तो हमारे नव भाई साहब जा रहे हैं उदयपुर, फाइनली ऋषभदेव छोड़ रहे हैं पढ़ाई के लिए, उदयपुर अब पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। कब जा रहे हो? 5 तारीख। इससे पहले जोलोजिप्स चैलेंज करना है, ठीक है, क्योंकि सब जने वेट कर रहे हैं जोलोजिप्स चैलेंज का, कि नव कब करेगा, कमेंट्स कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, नव कब करेगा जोलोजिप्स चैलेंज। तो अपने 10,000 की फैमिली कंप्लीट हो गई है, उसके अंदर तेरे को सब जनों को देखना है। मैं, मम्मी, भैया, भाभी, नव, हम सब जने कार में आ रहे हैं, चिकू चले गए स्कूटी लेके, पापा मंदिर से सीधे वहीं होटल पे चले गए, मुझे चिकू इतने तक उतार के चले गए कि तुम मम्मी के साथ ही आओ यूं करके। हाथों से चूड़ी वगैरह सब निकाल दी, कोई टोक ना दे। क्या कहूँ आँखों ने मेरी सजाए, हम सब चलते हुए जा रहे हैं। तू बार बार आता है इसलिए देखो अच्छे से जानते। तुम तो बाइक पे ही आ रहे हो, स्कूटी पे? तू चाचू के पीछे जा रही है, चलती चलती आ रही है। खाना खा के सब जने आ गए, सब वॉकिंग करते करते ही आए, तो सबका खाना भी डाइजेस्ट हो गया। और चिकू तो स्कूटी लेके ही गए थे, तो चिकू तो आ गए, एक पानी की बोतल एक्स्ट्रा हो गई थी तो मैं लेके आई हूँ। निपेश जी, गेट तो खुला ही रखा है अपने, मेरा इंतजार था। ओके चलो फाइन, अभी हम थोड़ी थोड़ी पैकिंग कर रहे हैं, अब वो फाइनल कर देते हैं और व्लॉग एक बार एडिट करके रख देते हैं, क्योंकि काम में पता ही नहीं चलेगा कब लेट हो जाएंगे। और एक दो चीज़ें मिल भी नहीं रही है, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है तभी याद आता है कि कहाँ गई। तभी एक तो बार एक मेरे क्या किसका चार्जर
सेल का चार्जर ढूंढना है, सेल का चार्जर कहीं रख दिया है तो। व्हाइट कलर का वो एडेप्टर में आता है वो वाला कह रहे हो? मेरे को मैं समझे कोई ऐसा डायरेक्ट पड़ा हुआ रहता, वो पता तो नहीं है पर अब पता चल गया कि वैसा दिखता है तो ढूंढ दे रही हूँ, ढूंढ दे रही हूँ। यहाँ तक व्लॉग देखने के बाद अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कॉमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। आज के व्लॉग में जो मैंने डेजी परफ्यूम बताया है वो बहुत ही अच्छा है और साथ ही साथ उसके बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी तो आप वहाँ पर जाकर रुबनिक पर परचेज करो। बाय, मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में।